हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है हिंदी रेसिपीज में। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही स्वादिष्ट और इजी भिंडी मसाला की रेसिपी। रेगुलर सब्जी से अगर आप बोर हो गए हैं तो आप इस भिंडी की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम भिंडी फ्राई करेंगे, तो उसके लिए एक कढ़ाई या पैन में तेल ले लें। तेल ज़्यादा लें क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा फ्राइंग के बाद वो आप निकाल सकते हैं। तेल गर्म हो जाने के बाद उसमें डालें भिंडी। तो टोटल 250 ग्राम भिंडी यहाँ पर मैं यूज़ करने वाली हूँ। और भिंडी में इस तरह से आप चीरा लगा लें और फिर कट करें। इससे क्या होगा कि फ्राइंग के बाद जो भिंडी है ये जल्दी पक जाएगी और जो इसका चिपचिपापन है ना वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो इसी तरह से आप बाकी की भिंडी भी फ्राई कर लें और उसके बाद जो तेल है वो आप कम कर लें जितना आपको ग्रेवी में चाहिए उसके हिसाब से। गरम तेल में डालें 1/4 टीस्पून जीरा और एक बड़ा प्याज जो कि बारीक कटा हुआ हो। तो हम कुछ भी इसमें मिक्सी में घुमाने नहीं वाले हैं, सिर्फ कटा हुआ ही हम यूज़ करने वाले हैं, मतलब प्याज और टमाटर। तो प्याज को अच्छे से फ्राई कर लें जब तक ये हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। फिर डालें 1 टीस्पून कुटा हुआ लहसुन और इसे अच्छे से फ्राई कर लें जब तक इसकी कच्ची स्मेल ना चली जाए। फिर डालें थोड़ी सी हल्दी और धीमी आंच पर इसे 7 से 8 सेकेंड फ्राई करें जब तक हल्दी की कच्ची स्मेल ना चली जाए। और फिर डालें एक बड़ा टमाटर। तो टमाटर भी आप एकदम बारीक कट कर लें। अगर टमाटर आपको लग रहा है कि छोटा पड़ रहा है तो आप 2 टमाटर यूज़ कर सकते हैं। फिर डालें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। आप चाहें तो इस वक्त इसे ढककर पका सकते हैं, पर थोड़ी सी फ्राइंग में भी टमाटर गल जाएगा। फिर डालें स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी, ताकि जो लाल मिर्च है ये जले ना और मसाला भुनने में भी आसानी हो। भिंडी की सब्जी में कोई ना कोई खटास वाली चीज़ डाली जाती है, जैसे कि आमचूर पाउडर या नींबू, पर हमने टमाटर यूज़ किया है तो अलग से आपको और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अब फ्राइड भिंडी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लें। इस समय आप चाहें तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार सकते हैं और ढककर थोड़ा सा पका लें जब तक कि जो भिंडी अगर थोड़ी सी कच्ची होगी तो वो भी पूरी तरह से पक जाए। और फिर डालें 1 टीस्पून भुनी हुई कसूरी मेथी, इस तरह से आप अपने हाथों के बीच में उसे पाउडर बना लें, और 1/2 टीस्पून चिकन मसाला। ये चिकन में डालने वाला मसाला है, ये वेजिटेरियन ही है। आप चाहें तो किचन किंग या गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं, पाव भाजी मसाला भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा और मैं पानी इसमें डाल रही हूँ। और हमारी टेस्टी टेस्टी भिंडी की सब्जी रेडी है। इसे आप खा सकते हैं दाल चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, ये बहुत टेस्टी लगती है। और जो भिंडी ना पसंद करने वाले लोग होते हैं, हाँ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें भिंडी पसंद नहीं होती, उन्हें भी ये ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।